हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौरमंडल, और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। हर एग्जाम में कम से कम एक या दो नंबर के क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि सौरमंडल किसे बोलते हैं, सौरमंडल क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, पूरे सौरमंडल का केंद्र बिंदु जो होता है वो सूर्य होता है। पूरे सौरमंडल का केंद्र बिंदु जो होता है वो सूर्य होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, सूर्य में, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य में हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है, हीलियम जो होता है वो 26.5% होता है, और अन्य गैस जो होता है, अदर गैस जो होता है वो होता है 2.5%। दोस्तों, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन गैस जो होता है सूर्य में 71%, हीलियम गैस जो होता है 26.5%, और अन्य गैस जो होता है वो 2.5% होता है। ये गैस जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दोस्तों, पहले 9 ग्रह था, लेकिन एक प्लूटो ग्रह को 2006 के बाद बौने ग्रह के कैटेगरी में रख दिया गया। प्लूटो ग्रह को 2006 के बाद बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। उसी समय से टोटल सौरमंडल में जो ग्रह बचे वो 8 ग्रह बचे। देखते हैं सूर्य के सीक्वेंस से, अगर देखा जाए सूर्य के सीक्वेंस से पूरे सौरमंडल में ग्रह देखा जाए, तो सबसे पहले नंबर पर आता है बुध, दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों पृथ्वी, चौथे नंबर पे आता है मंगल, पांचवें नंबर पे आता है बृहस्पति, ध्यान से सुनते चलिएगा, छठा नंबर पे आता है आपका शनि, सातवां नंबर पे आता है आपका अरुण, और आठवां नंबर पे आता है आपका वरुण। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। सभी ग्रह, ध्यान से सुनिएगा, सभी ग्रह, लेकिन एक शुक्र ऐसा ग्रह है, शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए शुक्र ग्रह पर और अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है और पूर्व की ओर सूर्यास्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ शुक्र और अरुण ग्रह पे पूर्व की ओर सूर्यास्त होता है और पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा जो लगाते हैं ये दोनों ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। और अन्य जितने भी ग्रह हैं, बुध हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, वरुण ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब जो ग्रह हैं, ये सब ग्रह लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सब जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए वो सब ग्रह पे, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ये सब ग्रह पे पूर्व की ओर सूर्योदय होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था, जिसे कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस वीडियो में भी आगे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, देखिए हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं ना कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आ ही गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपग्रह। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने।
केपलर ने, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 ग्रह। ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ये तो स्टार्टिंग में आप सब बहुत जानते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और उसके बाद कौन आता है, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण, सबसे लास्ट में वरुण आता है। तो इसलिए हम बताए थे ना कि सूर्य के सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शुक्र आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बुध आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकार के अनुसार पूछा गया है, तो सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। देखिए अरुण वरुण देखिए साथ में, पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध, ये सब जो है ये आकार के अनुसार, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निहारिका। निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, बाकी सब जो है ये ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु। ठीक है ना, तो ये सब हैं सौर मंडल के भाग, लेकिन निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो टोटल 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है, बाकी सब जो है पार्थिव ग्रह है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये सब जो है पार्थिव ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति किस सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त, ध्यान से सुनिएगा, वामावर्त घूमते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो है ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वामावर्त तो हम आपको समझा ही चुके हैं कि शुक्र और अरुण जो है ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, इसलिए ये दोनों ग्रह पे सूर्योदय जो होता है ये पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। ठीक है ना, तो ये वामावर्त घूमते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, तो अभिनव तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा, कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। प्राचीन यानी पुराने भारतीय जो है ये ग्रह मानते थे सूर्य को, लेकिन सूर्य जो है ये एक तारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? तो 71% है। ये तो स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। देखिए, हम जितने भी बेसिक बताते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ ही बन जाते हैं, एग्जाम का तो बात ही छोड़ दीजिए। हीलियम, हीलियम कितना प्रतिशत? तो हीलियम 26.5% और अदर गैसें जो हैं वो 2.5% बनता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। मैं जितने भी मैं बता रहा हूँ वो हर क्वेश्चन, हर एक्स्ट्रा फैक्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है हमेशा पूर्व से निकलता है। दोस्तों, अभी मैंने समझाया कि शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं ये सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं किस तरफ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसलिए उस दोनों ग्रह पे सूर्योदय जो होता है, यानी सूर्य जो निकलता है पश्चिम से निकलता है, लेकिन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 जून को। जो जो स्टूडेंट 21 जून को ये वीडियो देख रहे हैं, तो नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्सौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अप्सौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य की बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो ये धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, असमर्थ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है, 71%, ये तो पहले भी बता चुके हैं ना, 71%, और हीलियम 26.5%, यानी 26.5%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। ये तो पहले भी बता चुके हैं ना कि सूर्य जो है ये तारा है, ग्रह नहीं है, लेकिन प्राचीन भारतीय लोग इसको ग्रह मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग जो होता है तापमान, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है।
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम। और हीलियम का परसेंटेज जो होता है ये होता है 26.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8.3 मिनट लेता है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको देखिए, ध्यान से देखिए, 7.3 भी है, 9.4 भी है और 10 भी है, तो ये तीनों नहीं होगा। और कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कहीं कहीं आपको 8.2 भी दिखाई देता होगा, कहीं कहीं 8.1 भी दिखाई देता होगा, या फिर कहीं कहीं 8.4 भी दिखाई देता होगा। तो 8.324 ये सब दिखाई दे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 8 से नीचे अगर दिखाई दे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है डिफरेंट दिखाई देते हैं, 8 करके दिखाई देंगे लेकिन पॉइंट में 2, 3 इस तरह से दिखाई देंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 8.2 भी सही हो जाएगा और 3 भी सही होगा, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध। सूर्य के सीक्वेंस से सबसे पहले नंबर पे बुध ग्रह आता है, उसके बाद फिर बुध ग्रह के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 डेज होता है, 88 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? दोस्तों इसका आंसर हम बता दें या फिर आप ही बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो 41वां क्वेश्चन रहता था आपके लिए वो आज टाइप नहीं हो पाया है, तो चलिए इसका आंसर हम बता ही देते हैं, आपके लिए आज क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए सौरमंडल का ये पार्ट जो था, ये टॉपिक जो था, ये कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक भी मैंने समझा दिया, आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि सौरमंडल किसको बोलते हैं, क्या कैसे क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। डेली 6 PM में वीडियो आती है, डेली 6 PM में यानी 6 बजे शाम में मेरा वीडियो इस चैनल पे आती है। नेक्स्ट